तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी, आज की भोजन यूट्यूब पर अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भोजन समाज का एक बड़ा चैनल हो गया है हैक, तो मैं पूरी खबर बताऊंगा, पूरा वीडियो आखिर तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी निकल कर आ रही है युवराज सिंह को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है, रोहित शर्मा के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव में युवराज सिंह ने भंगी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आता है। इसको लेकर अब युवराज सिंह ने माफी मांग ली है। ये रहा उनका माफीनामा, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं किसी के साथ भी रंग के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ। ये उन्होंने खुद ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने माफी मांग ली है। आपका कुछ इस बारे में कहना है तो नीचे कमेंट करिए। तो ये अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है समता आवाज टीवी के मनोज अंतानी जी को लेकर। आज तक भाई आप लोगों ने मनोज अंतानी जी को रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, न्यूज देते सुना होगा, इंटरव्यू लेते भी सुना होगा, लेकिन कभी खाना बनाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना, तो आज दिखाई देता हूँ मैं आपको, ये वीडियो देखो। जब से हुई है शादी उसको निभा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है। समझे, जब से हुई है शादी जिसको पराठे खाने आ जाओ। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, समता आवाज टीवी के एंकर मनोज कुमार जी खाना बना रहे हैं। अब मनोज सर अच्छा खाना बनाते हैं या बुरा खाना बनाते हैं, इसका तो मैं तभी बता पाऊंगा जब वो मुझे अपने घर पे खाना खाने बुलाएंगे और मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद ही तो खाने का रिव्यू दूंगा। तो मनोज सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बताइए मुझे, कब अपने घर पे आप खाना खाने बुला रहे हैं, जल्दी बुलाइएगा यार। तो गाइस, अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है तथागत लाइव अंजुल भैया को लेकर। अंजुल भैया ने, जैसा कि आपको पता है, अपनी कंपनी तथागत लाइव को रजिस्टर्ड करा लिया है और एक टी शर्ट भी प्रिंट करा है, उसका सैंपल आपको उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया था। लेकिन मैं यहां पर बात करूंगा उनकी स्टोरी की। स्टोरी में उन्होंने टी-शर्ट भी दिखाई है और उसका थीम भी बताया है, और यह भी बताया है जो थंबनेल रहता है ना वीडियो का, जो ऊपर की फोटो रहती है जिसे देखकर आप लोग क्लिक करते हैं, उसमें उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को अंबेडकर लिख दिया था, इसलिए कुछ लोग गुस्सा हो गए, तो वो कुछ बता रहे। तो ये वीडियो देखो। मेरे साइज की नहीं होना, पहन के दिखाता सच में। इसमें ये डिजाइन थोड़ा प्रोटोटाइप है, अभी इसमें कुछ चेंजेस होंगे। देखिए, इसमें एक चीज, एक मैसेज छुपा हुआ है यहाँ चश्मे में, बी एजुकेटेड, मतलब जो बाबा। दूसरा, मैंने अम्बेडकर का चश्मा, तो बहुत सारे लोगों को उससे बुरा लगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि थंबनेल कुछ ऐसे ही होते हैं, अगर उससे आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। बिल्कुल मैंने गलती की है, तो मैंने वापस वहां डॉक्टर भी लिखा है। और एक बात बता दूं, मैं आपसे है ना, आपसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं। चलिए कोई बात नहीं। और तो गाइस, सबसे पहले कमेंट करके एक बात बताओ, अंजुल भैया ने जो टी शर्ट प्रिंट कराई है बाबा साहब के चश्मे वाली और उसमें एजुकेटेड लिखाया है, वो आपको कैसा लगा? मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नीचे कमेंट करो। और बात रही यार थंबनेल की, जो उन्होंने अंबेडकर लिख दिया था, तो गाइस देखिए, हम लोग थंबनेल है ना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे ज्यादा लोग हमारी वीडियो को क्लिक करें, इसलिए हम लोग ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं, और इससे कई लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, और ये जायज भी है, क्योंकि यार हम लोग बाबा साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम कई ऐसे वर्ड देख लेते हैं तो हमें गुस्सा भी आ जाता है। तो अंजुल भैया ने ये बात भी क्लियर कर दी है, और वैसे भी अब वो थंबनेल उन्होंने चेंज कर दिया है, उसकी जगह उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर लिख दिया है, अंबेडकर की जगह। तो गाइस, अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही है नेशनल दस्तक को लेकर। नेशनल दस्तक ने अपने चैनल के ऊपर अभी तक 100 करोड़ व्यूअर्स पूरे कर लिए हैं, यानी कि दोस्तों 100 करोड़ लोगों ने अभी तक नेशनल दस्तक को देख लिया है। कितनी बड़ी बात है यार, मेरे चैनल पे पता नहीं कब पूरे होंगे ये 100 करोड़ लोग। और अगली जो स्टोरी है वो भी शंभू कुमार जी को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको पता है, पूरे वर्ल्ड में अभी ब्लैक लाइव मैटर वाला मामला चल रहा है। जॉर्ज की जिस प्रकार से एक व्हाइट पुलिसमैन ने हत्या कर दी थी, पूरा अमेरिका दहक रहा है। पूरे अमेरिका के जो ब्लैक्स लोग हैं वो सड़कों के उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग लोग हो, सभी सड़कों पर आ रहे हैं। तो शंभू जी का कहना है, बहुजन कब सड़क पर आएंगे? तो ये वीडियो देखो। तो ये वीडियो अपने याद कर लीजिए, और मुझे लगता है जिस दिन बहुजन समाज ये नहीं सीखेगा आंदोलन प्रोटेस्ट, तब तक उसकी खैर नहीं है। हमारे जैसे न जाने कितने शंभू आएंगे जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने घरों से निकलकर सड़कों पर खड़ा होना नहीं सीखेंगे, बाबा साहब की संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपनी हिस्सेदारी नहीं खोजेंगे, आपके बच्चे इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। इसलिए हमें इस काली बच्ची से सीखना चाहिए, ये जैसे मुट्ठी तानती है अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, आपको इसी तरह से तन के खड़ा होना होगा। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। शंभू सर ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वह सारे जायज हैं, क्योंकि दोस्तों आपको एक बात बताऊं, अमेरिका के जितने भी ब्लैक्स हैं ना, और हम कंपेयर करें इंडिया के जितने भी दलित लोग हैं, उनसे बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा विकसित हैं, और अमेरिका में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी है।
लेकिन वो एक हत्या पर सबके सब बाहर आ गए। लेकिन भारत में हजारों हत्या रोज होती है, हजारों बलात्कार रोज होते हैं। हम कब सड़क पर आएंगे, बहुजन कब जागेंगे, नीचे कमेंट करके बताओ यार कब तक ऐसा चलेगा। तो गाइस अगली स्टोरी निकल कर आ रही है, बहुजन समाज का एक बड़ा चैनल हो गया है हैक। हाँ भाई, भीम दीवाना चैनल जिसके 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे और इसके ऊपर बाबा साहब के सॉन्ग्स, बुद्ध के सॉन्ग्स आते थे जो कि भूपेंद्र सिंह सोनेवाल जी जो इसके ओनर थे वो खुद ही लिखते थे, खुद ही सब कुछ तैयार करते थे। तो गाइज ये बहुत मुश्किल का समय है उनके लिए, क्योंकि उनके एक नहीं चार चार चैनल हैक हो गए हैं। एक ईमेल आईडी से उनके चार चैनल थे और चारों हैक हो गए हैं। उन्होंने सारी बातें मुझे फोन के ऊपर बताई थी और भारत दस्तक के लिए उन्होंने, हाँ भाई आपके चैनल के लिए, एक पर्सनली वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल, जैसा कि आपको पता है मेरे भीम दीवाना चैनल जिसमें 50,000 सब्सक्राइबर थे वो है किसने हैक कर लिया है। और एक न्यूज़ चैनल था सबकी आवाज़ और मिशन की आवाज़, चार चैनल थे, एक ही जीमेल आईडी से थे, उस जीमेल आईडी को किसी ने हैक कर लिया गया है। और हम ट्विटर से यूट्यूब टीम से बात कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जाते जाते हम आपके चैनल को लाने की कोशिश करेंगे और इससे हमें बहुत दुख हुआ है क्योंकि हमने 2-3 साल से मेहनत की है चैनल पे, 50,000 सब्सक्राइबर पर पहुँचे थे हम भीम दीवाना चैनल पर, वह हैक हो गया। और हैक होने का कारण ऐसा लगता है कि कल मैंने रेडमी नोट 9 प्रो लिया था फ़ोन, तो उसमें मैंने सब ऐप इंस्टॉल कर लिए थे, मैंने क्रोम से किया था काइन मास्टर में ना तो इंग्लिश भाषा थी ना हिंदी भाषा थी, पता नहीं जाने कैसी लैंग्वेज थी, लेकिन मैंने काइन मास्टर निकाल के मैं जैसे हम एग्री करते हैं तो मैं ऐसे उस पर क्लिक करता गया और शायद हमारा पूरा जो फ़ोन का डाटा था वो जीमेल आईडी पर वो पूरा चोरी हो गया और मेरी जीमेल आईडी को हैक कर लिया गया है। तो दोस्तों अगर हम आगे से अगर ये चैनल वापस नहीं आता है तो हम भीम दीवाना चैनल को दोबारा बनाएंगे, क्योंकि भीम दीवाना चैनल नाम नहीं ब्रांड है और हम दोबारा से काम करेंगे क्योंकि पता नहीं। नमस्कार। तो सुना आपने भूपेंद्र सिंह जी को, उनके चार चार चैनल जा चुके हैं दोस्तों। मतलब यार मेरी तो एक वीडियो चले जाती है तो मुझे इतना दुख होता है, उनके तो चार चार चैनल जा चुके हैं। उन्होंने एक काइन मास्टर नामक वीडियो एडिटिंग ऐप होता है उसे डाउनलोड करा, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, तो इसी कारण से उनका चैनल हैक कर लिया गया। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया था कि उन्होंने ट्विटर के द्वारा यूट्यूब टीम से बात करी है, तो यूट्यूब टीम ने बोला है कि उनका चैनल वापस लाने की कोशिश करेंगे। और मैं दिल से चाहता हूँ कि उनके चारों चैनल फटाक से वापस आ जाए और ईमेल आईडी भी वापस आ जाए और सब कुछ पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेरी वेल विशेस है भूपेंद्र भाई के साथ। तो दोस्तों आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है नीचे कमेंट करके बताओ, और कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं स्टोरी टाइम में जरूर दूंगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, शेयर नहीं करा तो शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए प्यार भरा बाय बाय।